Actually, this is a very important question कि cesarean का रेट क्यों बढ़ रहा है? From the beginning of your journey, जब से आप बचपन से आप देखते हैं कि पहले के लोग और जो अब के लोग हैं उनकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं. पहले इतने इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं हुआ करते थे, लोग पानी भी खुद लेके आते थे, नीचे बैठ के खाना बनाते थे, चूल्हे का प्रयोग करते थे, कपड़े भी खुद धोते थे, कुएं से पानी लेके आते थे. तो इससे उनकी बॉडी में बहुत फिटनेस होती थी, बहुत एनर्जी होती थी, जो फिटनेस और जो एनर्जी अब आजकल की फीमेल्स में कम है. क्योंकि हम हर जगह बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, साइकिल भी आजकल बहुत कम लोग चलाते हैं, कार से जाते हैं या बस से जाते हैं, आप वॉक भी बहुत कम करते हैं, घर बहुत छोटे होते हैं, हर जगह हम डायरेक्टली या तो सोफ़ा या चेयर में बैठते हैं, नीचे जो स्क्वैटिंग पोजीशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल डिलीवरी, उस पोजीशन में भी हम बहुत कम बैठते हैं. लोगों को अगर एनकरेज किया जाए कि आप वॉक करें, आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, तो उसके लिए उनके पास टाइम नहीं है बिकॉज द लाइफ इज़ वेरी बिजी. कई लोगों का जॉब ऐसा रहता है कि फ्रॉम 8 to 8 दे वर्क, तो उनको टाइम भी नहीं मिल पाता. तो ये एक जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी और फिजिकल स्ट्रक्चर है उसमें जो चेंज आया है जिससे आपकी मसल एक्टिविटी, जो आपकी जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो गई. द सेकेंड पॉइंट इज़ कि पहले आपकी जो प्रेगनेंसी होती थी वो बहुत अर्ली एज में हो जाती थी, कि 18 टू 19 ईयर्स में सबकी डिलीवरी हो जाती थी, शादी हो जाती थी 18 टू 19 और 20-21 ईयर्स में तो लोग फैमिली प्लानिंग ही करवा लेते थे, जो कि अब इंक्रीज़ हो गई है. और 24 to 25 के बाद तो लोग शादी करते हैं, उसके बाद भी दे डोंट वॉन्ट प्रेगनेंसी, कई बार वो टर्मिनेशन के लिए भी आते हैं, उसके बाद कई बार प्रेगनेंसी लगने में दिक्कत आती है, उसके बाद आपको IVF या IUI ये सब कराना पड़ता है. तो ऑलरेडी यू हैव और प्रेशियस प्रेगनेंसी, आप उस प्रेगनेंसी को बहुत प्रेशियस मानते हैं जिसके लिए आप रिस्क बहुत कम लेना चाहते हैं. अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी है लेकिन आपको 1% रिस्क भी हो सकता है, तो यू विल से कि मैम मुझे कोई रिस्क नहीं चाहिए. व्हाट इज सेफर, यू डू दैट. कि अगर आपको लगता है सिजेरियन इट इज 100% सेफ, तो यू शुड गो फॉर सिजेरियन सेक्शन. तो एक जो रिस्क टेंडेंसी है लोगों में वो बहुत कम है. एडवांस एज है, अगर आप 30 के बाद प्लानिंग करेंगे तो आप अपनी बॉडी को कंपेयर करें कि 20 में आपकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल थी और 30 में आपकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है, तो देर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस. क्योंकि उस समय आपको ये जो पुश करना है, आपको वॉक करना है, दैट बिकम्स डिफिकल्ट. दूसरा ये है कि डॉक्टर्स के पास भी बहुत ऑप्शंस नहीं हैं, क्योंकि आजकल लिटिगेशंस बहुत बढ़ गए हैं. कई बार ऐसा होता है कि हम नॉर्मल ट्रायल देना चाहते हैं लेकिन अगर बच्चा को एस्टेक्शिया हो गया, कई बार बच्चे NICU में चले जाते हैं, तो उसमें पेशेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि मैडम ऐसा कैसे हो गया. पहले भी ऐसा होता था, पेशेंट डॉक्टर को भगवान समझता था कि ठीक है जो हो गया हो गया, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है. अगर आपके बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप सबसे पहले डॉक्टर से बोलते हैं, डॉक्टर ऐसा क्यों हो गया. तो रिस्क टेकिंग बिहेवियर पेशेंट और डॉक्टर दोनों में ही कम हो गया. और कई सारी डिजीजेज हैं जो पहले के कंपेरिजन में बहुत बढ़ गई हैं, लाइक ट्विंस रेट. अगर IVF से होता है तो ट्विंस रेट बढ़ गया, डायबिटीज़ इज इंक्रीजिंग, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, ये सारे कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी के साथ बढ़ गए हैं और इन कॉम्प्लिकेशंस के कारण भी सिजेरियन रेट बढ़ रहा है.